हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप लोग हमारे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं मुखा फाल, जो कि राउटसंस के लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पे है। और हमारे साथ है विजय भाई, जो कि मेरे फर्स्ट ब्लॉग में थे, और मेरे साथ और दो मेरे फ्रेंड ही हैं, वो भी आगे मिलेंगे। तो गाइस, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, और चलिए हम लोग वहाँ का सारा व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो का लाइक भी कर दिया कीजिए। तो चलिए हम लोग वहाँ पे चल के आप लोगों को सारा व्यू दिखाते हैं, क्या है क्या चीज़, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, देखिए हम लोग आ चुके हैं। हम लोग जो बोले थे मैंने आप लोगों को वीडियो में कि दो और भी भाई मिलेंगे, तो देखिए हम लोग साथ में मिल चुके हैं। और चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे, और आगे चल के आप लोगों का सारा व्यू दिखाते हैं। तो गाइज, हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बरेला महादेव, सियुदार, मुखा फाल और कैमूर वन्य जीव विहार, ये रास्ता चार धाम को जाएगा, बट हम लोग जाना है मुखा फाल। तो दोस्तों, हम लोग अभी शाहगंज मार्केट में हैं, और आप देख सकते हो ये सियुदार और मुखा फाल, विल्डमगंज और विंध्याचल को जाता है ये रास्ता। तो गाइज, जैसे ही आप लोग यहाँ से आगे चलते हो तो आप लोगों को एक और मार्केट मिलता है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों को सारा चीज़ दिखाऊंगा और डिटेल सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये एक जो आगे रास्ता है गया, यहाँ से आप राजगढ़ की तरफ भी जा सकते हैं, और ये जो सीधा है ये आपको मुखा फाल की तरफ ले जाएगा। तो गाइस, ये जो देख रहे हो आप, ये खुरावल मार्केट है। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है मुखा फाल। तो दोस्तों, हम लोग मुखा फाल के गेट पे आ चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो गेट पे लिखा हुआ है मुखा फाल आपका स्वागत करता है, और इस साइड में मुखा फाल है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ का जो रास्ता है लाल रंग के मिट्टी का बना हुआ है, और ये बारिश के समय बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, हम लोग काफ़ी ज़्यादा राइड करने के बाद फाइनली मुखा फाल आ चुके हैं, और कुछ ही छड़ों में आप लोगों को मुखा फाल का सारा व्यू मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गाड़ी पार्किंग के लिए व्यवस्था किया गया है, और यहाँ पे हम लोग भी अपनी गाड़ी को लगा देते हैं साइड में, उसके बाद मैं आप लोगों को सारा व्यू दिखाने का प्रयास करूँगा। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं मुखा फाल, और आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करने के लिए कुछ है व्यवस्था, और यहाँ पे आप लोगों को दुकान एक भी नहीं मिलेंगे। ये यहाँ के एक जो ख़राब चीज़ है, छोटे मोटे दुकान होने चाहिए थे, और हमारी टीम जो है आगे जा रही है, चलिए हम लोग भी चलते हैं साथ में। गाइस, यहाँ पे छोटे छोटे घर भी हैं जो कि बहुत पुराने समय के लगते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे बैठने के लिए भी कुछ प्रावधान किया गया है, और यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में ऐसे घूमते समय बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। और जैसे ही आप थोड़ा नीचे आते हैं, कुछ इस प्रकार का व्यू दिखने में लगता है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही गहरा है। और यहाँ पे लगभग जनवरी के महीने में जब भी आएंगे आप लोग, बहुत ही प्यारा यहाँ का व्यू आता है। तो मैं आप लोगों को नीचे जाकर भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज है, और ये जो पत्थरों पर काई लगा हुआ है ये बहुत तेज़ में फिसलता है। तो गाइज, जब भी आप यहाँ पे आइए, संभल के रहिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ऊपर का व्यू दिखाने का प्रयास करूँगा। ऊपर आप देख सकते हैं पूरा जंगल ही जंगल है, और मैं आप लोगों को यहाँ से ऊपर जा करके भी दिखाने का प्रयास करूँगा। तो गाइज, हम लोग इतना ऊपर नीचे चढ़ चुके हैं कि थक चुके हैं, आप लोग देख सकते हो बहुत ही घना जंगल है। आप लोगों का आने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा जगह है पिकनिक के लिए। गाइज, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा यहाँ का व्यू आता है। मैंने आप लोगों को पंचमुखी महादेव मंदिर का भी एक वीडियो बना के दिखाया है, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर अच्छा है।
और मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सारा कुछ दिखाने वाला हूँ, और बस आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है गाइज, आप लोग सपोर्ट करिए। तो आप लोग देख सकते हो बहुत यहाँ पे अच्छा जगह है, और पिकनिक के लिए तो हमें लगता है बेस्ट जगह है। आशा करते हैं आप लोगों को हमारे वीडियोज पसंद आते होंगे। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल पर नए हो तो फिर से मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि गाइज हमें वीडियो बनाने में तो आप लोगों को पता ही है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है गाइज। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।